भाई शाहरुख खान अफगानिस्तान के ऑटोज में। पाकिस्तान से आप? मैं अफगानिस्तान से हूँ लेकिन पाकिस्तान में रह चुका हूँ। इंडिया में इंडिया भी जाता रहता हूँ कभी कभी। काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी मिल गई हैरात में आने के बाद। इतनी सिक्योरिटी तो भाई अगर मैं टूर कंपनी के साथ जाता तो मैं भी नहीं मिलती। तो भाई 50,000 की राइफल देख लो भाई, शॉटगन। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। अभी फ़िलहाल गाइस मैं हेरात काबुल से भी हेरात आया, अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट पे ही हैं हम लोग और मेरे साथ है हादी, जिनसे मैंने आप लोगों को काबुल की वीडियो में मिलवाया था, मेरे होस्ट थे काबुल में। और ये एक्चुअली हैं हेरात से, तो अभी इनके घर जा रहे हैं। अभी काबुल एयरपोर्ट पर चेकिंग ऐसी हुई गाइस, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग भाई, मेरे को तो ये लग रहा था कि भाई कपड़े उतारना रह गया था बस, अगर उनका बस रहता तो कपड़े भी उतार देते वो लोग। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग भाई, सही बता रहा हूँ, मोजे से लेके पॉकेट तक, मतलब हर जगह चेकिंग हुई। बहुत इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग मैंने इसके पहले कहीं नहीं देखा। मुझे पता नहीं आप वो देख पा रहे हो कि नहीं, तो ये एक ऐसा बलून जैसा आपको पूरे अफगानिस्तान में मिलेगा, मतलब ऐसे उड़ता हुआ बलून। ये एक्चुअली बलून नहीं है, ये काबुल में भी आप मैंने देखा था, ये एक्चुअली कैमरा लगाया होता है अफगानिस्तान में, और ये बस एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए होता है। सलाम नमस्ते। यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल एयरपोर्ट से हादी भाई के घर जा रहे हैं, और हादी भाई के साथ है उनके भाई। तो इनके हादी के भाई आए हुए हैं, और ये सारे जितने भी इनके साथ आए हुए हैं इनके दोस्त हैं, और ये एक्चुअली आर्मी में कमांडर है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी मिल गई हेरात में आने के बाद। इतनी सिक्योरिटी तो भाई अगर मैं टूर कंपनी के साथ जाता तो मैं भी नहीं मिलती। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट आई एम गेटिंग सो मच सिक्योरिटी आफ्टर कमिंग टू हेरात। अनफॉर्चुनेटली वी कैन शो आवर पिस्टल एंड रिफिल द थिंग्स दे हैव नाउ। सलाम। She's my mother. Okay. सलाम। नाम از اینا ویشنو است، از هندوستان آمدم. ویشنو from هندوستان. خیلی خوش آمدید. واو. You have a very beautiful house, man. Very beautiful house. Our house. Yeah. تشکر مادر جان. ببخشید. تشکر. خب. ابھی ہم لوگ فی الحال ہادی بھائی کے گھر پر آئے ہوئے ہیں، اور گھر پہ آتے ہی جیسے ہر افغانی گھر پہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں لوگ چائے کے ساتھ، تو یہاں پہ انہوں نے میرے کو گرین ٹی آفر کرا، اور گرین ٹی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ، ये शुगर कैंडी ऐसा कुछ होता है। ये मैंने ईरान में आप लोगों को काफ़ी दिखाया था, ईरान में चाय के साथ ये काफ़ी पीते हैं वो लोग, और ये यहाँ पे हेरात में भी मेरे को देखने को मिल रहा है। हेरात जो है वो ईरान से सबसे क्लोजेस्ट सिटी में आता है अफगानिस्तान में। हाउ मच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू ईरान बॉर्डर? टू आवर्स। तो 2 घंटे की जर्नी है यहाँ से ईरान अगर आपको जाना हो तो। और बहुत सारा कल्चर यहाँ पर ईरान का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। और भाई माफ़ करना यार, काफ़ी बुरी हालत है अभी मेरे फ़िलहाल बाल की। ये गोप्रो शूट कर रहा हूँ, गोप्रो में दिखता नहीं है भाई कैसा लग रहा हूँ, उसके बाद में मैंने वीडियो देखा तो काफ़ी बेकार लग रहा हूँ। Yeah, in the cheek and in the hand. Yeah. Okay. Yeah. So sweet. They kiss here. Yeah. They kiss here. Yeah. And we kiss in the hand. That's so sweet. So sweet. Tashakkur, tashakkur. Khusha Madin. Khusha Madin, you're welcome. You should say tashakkur. Tashakkur, yeah. Thank you.
हालात में, और हम लोग आए हुए हैं अभी इख्तियार अल-दीन कैसल में, जो कि काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है हेरात में। जो भी हेरात आता है वो यहाँ पर ज़रूर आता ही है। तो ये एक्चुअली फेमस इसीलिए है क्योंकि ये जो हेरात का जो पोजीशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था पुराने ज़माने में, क्योंकि ये सिल्क रूट से कनेक्ट होता है और सिल्क रूट से काफ़ी ज़्यादा पहले ट्रेडिंग होती थी चाइना से, इंडिया से, ईरान से, तो काफ़ी सारे लोग ट्रेड किया करते थे। तो ये वाले पोजीशन सेंटर में आता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी, और यहाँ पर जो किंग रहा करते थे उनका मेन मोटिव भी यही था कि वो यहाँ से सब कुछ मॉनिटर करें। तो इसी यही रीज़न के कारण जंगिस खान ने भी यहाँ पे अटैक करा था, पूरा डिस्ट्रॉय किया था। तालिबान भी, मतलब तालिबान ने भी काफ़ी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करा था। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने शायद इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कराए, तो उसके बाद फिर ऐसा है। पर पहले के अगर आप लोग पिक्चर्स देखोगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉयड था, उसके बाद फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है इसको। यहाँ पर हम लोग कैसल के सबसे टॉपेस्ट लेवल पर आए हैं, और यहाँ पर लोग पहले क्या करते थे, यहाँ से बंदूकें सेट करके यहाँ से फिर वो लोग दुश्मनों को मारा करते थे। तो ये जितना भी देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर लोग बंदूक सेट करते थे और फिर जो भी अटैक कर रहा होता था उनको फिर यहीं से वो लोग अटैक करते थे। पाकिस्तान से आप? मैं अफगानिस्तान से हूँ, लेकिन पाकिस्तान में रह चुका हूँ, इंडिया भी जाता रहता हूँ कभी कभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह साहब है। सैफुल्लाह साहब आप हो अफगानिस्तान से ही? जी हाँ। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू बोल ले तो यार। मेरा तालीम पाकिस्तान से। अच्छा, तो आप 2001 में वहाँ से, मैं सिविल इंजीनियर होके पाकिस्तान से। जी हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम पाकिस्तान जा नहीं सकते। क्यों? हम हिंदुस्तान जा नहीं सकते ना, हिंदुस्तान का पासपोर्ट बना कर भेज। ये भी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, थोड़ा मैं तो समझते हैं, मुझे पंजाबी भी आती है। क्या बात कर रहे हो? अभी यहाँ पे अफगानिस्तान में आया तो सभी बोल रहे हैं मैं अफगानी हूँ। कोई अफगानी जैसे लग रहे हो, अफगानी जैसा लग रहे हो, अभी हजारा भाई जैसा लग रहे हो, कोई आपका वो नहीं कर सकता कि ये इंडियन है आपका। सही बात। हम चुनामा हम। तो भाई यहाँ पर कैसल में थोड़े हिंदी बोलने वाले भाई मिल गए थे, जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान में रह के आए हैं, तो काफ़ी बढ़िया हिंदी उर्दू बोल रहे थे, सॉरी। अफगानिस्तान में हिंदी बोलने वाले हर जगह मिल ही जाएंगे भाई, सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग घूमने आओगे तो। तो भाई दिक्कत क्या है कि अभी ना रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो ना तो हम लोग ये टाइम पे कुछ खा सकते हैं, और मैक्सिमम शॉप सारे बंद होती हैं, क्योंकि आज छुट्टी भी है बोल रहे हैं। व्हाई इज हॉलिडे टुडे? तो आज बोल रहे हैं सोवियत टाइम के कोई आए थे यहाँ पर, तो इसलिए आज हॉलीडे है यहाँ पर सबका, गवर्नमेंट हॉलीडे। शाहरुख खान अफगानिस्तान के ऑटोज में। तो भाई यहाँ पर हम लोग बंदूकों की दुकान में आए हैं, यहाँ पर सारे लोग राइफल्स बेच रहे हैं, यहाँ पर जो खुली दुकान में राइफल बेच रहे हैं। ये शॉट गन है ये, और इसके साथ ये बुलेट देखो, ये दिस इज द बुलेट राइट? या ये इसकी बुलेट है। हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर दिस वन राइफल? چقدر است قیمت از این؟ ببخشید استاد قیمت از این چقدر است؟ तो भाई 50,000 की राइफल देख लो भाई, शॉट गन। वेयर शुड आई पुट दिस बुलेट? या इट्स मैगजीन। ओके, इन मैगजीन यू पुट इन मैगजीन? या चंद दाना मेखो, 10 दाना? 10? 5 तो? तशक्कुर। तो भाई खुला सड़क पे बंदूकें बिक रही है भाई,
जब 50,000 की शॉटगन मिल रही थी यहाँ पर तो दैट हिंदुस्तान अभी रिजर्वेशन दे के मेगा कोरोना इज जस्ट द बेस्ट कोरोना कोरोना वेरी बैड हिंदुस्तान भाई यहाँ पर हम लोग लोकल शॉप में आए हैं और यहाँ पर ये भाई साहब देखिए आप कितना प्यारा म्यूजिक बजा रहे हैं और ये जो आप देख रहे हो ये अफगानिस्तान में आपने काफ़ी देखा होगा ये काइंड ऑफ गिटार बोल सकते हो एग्जैक्टली बोलते क्या है मुझे पता नहीं है बट अफगानिस्तान में काफ़ी लोग प्ले करते हैं क्या शिद्दत से बजा रहे हैं भाई ये सही बता रहा हूँ व्हाट इज हिज नेम दे कॉल्ड मलंग मलंग दरवेश मलंग बाबा यहाँ पर भाई हम लोग ऐसे नॉर्मली मार्केट में घूम रहे थे और घूमते घूमते वाला शॉप देखा हम लोगों ने जहाँ पर ये लोग लोकल म्यूजिक बजा रहे थे काफ़ी प्यारा लगा गाइस बजाने का तरीका इनका और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी काफ़ी काफ़ी स्वीट इंस्ट्रूमेंट है अभी जो मार्केट है मार्केट कवर करने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग जामे मॉस्क में आए हैं जो हेरात का सबसे बड़ा मॉस्क बोलते हैं ये मॉस्क का आर्किटेक्चर देख के काफ़ी हद तक मेरे को ईरान की याद आ रही है क्योंकि ईरान में भी जितने भी मॉस्क थे सारे सिमिलर आर्किटेक्चर से बने हुए थे तो अगर आप लोग ये आर्किटेक्चर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल एशियन या फिर जैसे मैंने आप लोग को मॉस्क ईरान में दिखाए थे उस वैसे मॉस्क की याद आई है अभी फ़िलहाल जामे मॉस्क में थे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग और अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं हादी भाई के फ्रेंड्स के घर पर तो क्योंकि अभी फ़िलहाल रमज़ान का टाइम चल रहा है तो मैं यूजुअली दोपहर के टाइम पर आपको कुछ दिखा नहीं सकता खाने हम लोग जो खाते हैं क्योंकि पब्लिक में यहाँ पे खाना अलाउड नहीं है और आप एक्चुअली खा भी नहीं सकते अगर आप खाओगे पब्लिक में तो फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं तो मैं खाना दिखा सकता हूँ तो आपको बस इफ्तार के बाद ही खाना दिखा सकता हूँ So can you just tell me Hadi like what food is this? Yeah, it's a local Herati food. Okay. It's a khichdi. Khichdi? At the first I want to say something he's Mahdi. Mahdi? Mahdi. He invite us. This is you know it's a I said before. Khichdi? Khichdi. Yeah. Khichdi and chicken. This is chicken. And chips and what? Kofta. Okay, okay. It's a yogurt and this is kadu. Kadu. Yeah, but kadu. You say. I say sushi. Sushi. Okay. Okay. अभी हम लोग का डिनर खत्म हुआ और डिनर खत्म होने के बाद इन्होंने चाय ऑफर करा हम लोग को तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ आज का दिन काफ़ी लंबा था काफ़ी थकान भी हो गई आज क्योंकि हेरात में वैसे बहुत ज़्यादा गर्म है अब तक काबुल में काफ़ी ठंड थी अचानक से भी हेरात आया तो एकदम मतलब बोल सकते हो और हमको 35-36 डिग्रीज थी आज तो इतनी मतलब इंडिया के जैसी वेदर थी यहाँ पर अब तक काबुल बामियान में ठंड में था मैं अचानक से फिर गर्मी हो गई यहाँ पर वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना कमेंट करना अपना व्यूज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करना गाइस टिल देन खुश रहिए अपने आसपास के लोगों को खुश करिए एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो